दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। अब तक पूरी दुनिया में 20 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इस वायरस से 2,43,674 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर बात भारत की करें तो यहां भी कोरोना केस का आंकड़ा 37,000 पार कर चुका है, तो वहीं 1,223 लोगों की कोरोना संक्रमण से अब तक मौत हो चुकी है। दिल्ली के राजपथ पर आज कोरोना के करमवीरों को सरहद के शूरवीर सलामी पेश करेंगे। आज सेना के तीनों अंगों के जवान कोरोना को शिकस्त देने से जुड़े हजारों डॉक्टरों, नर्सों और मेडिकल स्टाफ, सफाईकर्मी और दूसरे फ्रंटलाइन योद्धाओं के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन पर पुष्प वर्षा करेंगे। ये अनमोल नज़ारा आज पूरे हिंदुस्तान में उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक देखने को मिलेगा। सेना ने इसके लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने घोषणा की थी कि सेना के तीनों अंग कोरोना के करमवीरों के प्रति आभार प्रकट करेंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली के पुलिस मेमोरियल में श्रद्धांजलि के साथ होगी। इसके बाद वायुसेना देश भर में फ्लाइट पास्ट करेंगे। देश भर में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र राज्य कोरोना वायरस के संक्रमण का आतंक झेल रहा है। महाराष्ट्र में अब तक सबसे ज़्यादा कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 1,008 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना से कुल 26 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कोविड-19 संक्रमित मरीजों की संख्या 11,000 पार कर चुकी है। यहां अब तक कोरोना से 485 लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की रिकवरी की बात करें तो यहां 1,889 मरीज अब तक इलाज से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित लोकपाल के सदस्य जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी की मौत हो चुकी है। जस्टिस अजय कुमार लोकपाल के न्यायिक सदस्य थे। कोरोना से संक्रमित होने के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था, जहां बीती रात दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। एम्स के सूत्रों ने बताया कि जस्टिस त्रिपाठी बीमारी की वजह से बहुत कमज़ोर हो गए थे। हालत ख़राब होता देख उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया था। यहाँ पिछले 3 दिनों से वो वेंटिलेटर पे थे। डॉक्टर ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें बचा नहीं सके। दिल्ली सरकार के किड्स एम्बुलेंस के कंट्रोल रूम में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। यहाँ लगभग 70 कर्मियों में से अभी 20 की कोरोना जांच रिपोर्ट आई है। इन 20 में से 15 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। बता दें, पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में कॉल सेंटर की तरह 4 शिफ्टों में चलने वाले इस एम्बुलेंस कंट्रोल रूम में 70 लोग काम करते हैं। अभी सिर्फ 1 शिफ्ट के कर्मचारियों की रिपोर्ट आई है, जिसमें 15 कर्मचारी पॉजिटिव निकले हैं, लेकिन इस रिपोर्ट ने बाकी कर्मचारियों में डर पैदा कर दिया है। दिल्ली में अब तक कोरोना केस का आंकड़ा 4,000 पार कर चुका है। वहीं 61 लोगों की मौत हो चुकी है।